बच्चों, यह वर्कशीट नंबर 8। तो इसमें अपन कलर्स भर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन ने ये पर्पल कलर भरा, रेड कलर भरते हैं, क्योंकि एक्चुअली इसका टाइटल आपने देखा, ट्रेस द डॉटेड लाइन यूजिंग डिफरेंट कलर्स। ओके, तो ये अपन रेड कलर कर देते हैं। ओके, उसके बाद अब अगली लाइन में अपन येलो कर देते हैं। उससे नेक्स्ट में अपन गोल्डन, आई थिंक यू आर क्लियरली विजिबल, एक्चुअली दिस इज येलो, दिस इज गोल्डन, एंड नाउ इन दिस ग्रीन कलर। ग्रीन कलर एंड नहीं, अलग कलर है अपने पास, तो इसमें ये एक्चुअली पहले अपन इसमें बिबिक्योर बनाने वाले थे, एक्चुअली रेनबो जो होता है इंद्रधनुष, लेकिन अपने पास सारे कलर अवेलेबल नहीं है, मोस्टली इसमें ब्लू नहीं है, तो उसकी वजह से बन नहीं पाएगा। अभी अपन ये दूसरा वाला भरते हैं, अभी जितने अपने पास कलर अवेलेबल हैं उस हिसाब से अपन भरेंगे। तो ये जो है अपन इसमें पिंक भर रहे हैं। ओके, इसमें अपन ब्राउन, ब्राउन भर रहा है। अभी आई थिंक दो कलर और बचे हैं, अभी ब्लैक ये ब्लैक कलर हो गया। दिस इज ग्रे कलर। ओके, ये कलर अलग अलग कॉम्बिनेशन है, अपन अब इनको कॉम्बिनेशन के हिसाब से अलग अलग अभी भर लेंगे। जैसे कि अपन इसके लिए पर्पल यूज कर लेते हैं, ये पर्पल कलर है, क्लियरली आइडेंटिफाई करना ये कलर पर्पल है। ओके, कलर बोलना नहीं है, ये येलो कलर है, ये येलो कलर है, एंड इसमें रेड। ओके, ये रेड कलर हो गया। अभी अपन फिर से इसमें ग्रीन कलर भरते हैं। ओके, ये ग्रीन कलर है, ये ग्रीन कलर हो गया। बीच में अपन पिंक कलर कर लेते हैं। ओके, आई थिंक यू आर एंजॉयिंग, दिस इज पिंक कलर। इसमें ये वाला कलर भरते हैं,
दिस इज नॉट क्लियरली विजिबल, एक्चुअली दिस इज अ लाइट कलर। सो दिस इज नॉट विजिबल लाइक अदर्स, दिस इज ब्राउन कलर। This is brown color. ये थोड़ा सा डार्क है इसलिए क्लियरली विजिबल है। और इसमें इस वाले कलर को भर देते हैं। ये हो गया, इसमें अपनी कौन सा रेड वाला नहीं हुआ है, नहीं रेड की लास्ट मारा था इसलिए रेड नहीं भरेंगे, ये गोल्डन भरते हैं इसमें। ओके तो ये गोल्डन कलर हो गया। ये गोल्डन कलर हो गया ग्रे, इसमें हो गया। मैं अपन कॉम्बिनेशन से कलर बढ़ते हैं, एक लाइन खींच लेता हूँ मैं, येलो कलर की लाइन, सॉरी रेड कलर की लाइन ऊपर जो है, अपन रेड कलर बढ़ देते हैं। नीचे अपन ग्रीन कलर बढ़ देते हैं, दोनों ही कलर क्लियरली विजिबल हैं। जैसा कि आप देख सकते हो ये रेड एंड ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन हो गया। अभी अपन इसमें येलो से लाइन खींच देते हैं, येलो तो एक पार्ट में अपन येलो कर देते हैं कलर, दूसरे पार्ट में अपन ग्रे कर देते हैं। ओके ये दूसरे पार्ट में ग्रे कलर हो गया। अभी अपन पिंक ले लेते हैं, तो ये लाइन खींच देते हैं पहले पिंक से, जिससे कि ओवरलैप ना हो। ये पिंक कलर हो गया, हाफ बढ़ दिया। इसमें दूसरी तरफ इसमें ब्राउन भर देते हैं। ये ब्राउन कलर हो गया। अभी इसमें कॉम्बिनेशन में पर्पल ले लेते हैं, अभी पर्पल ले लिया। इसके साथ अपन ब्लैक ले लेते हैं, पर्पल के साथ ब्लैक का कॉम्बिनेशन हो गया। अभी इसमें अपन गोल्डन ले लेते हैं, गोल्डन ले लिया। गोल्डन के साथ अभी कौन सा कलर कॉम्बिनेशन रह गया है, गोल्डन के साथ अपन ये वाला कलर ले लेते हैं। गोल्डन के साथ अपन ये वाला कॉम्बिनेशन कर दिया। अभी ये वाला कलर ले लेते हैं, इसके साथ अपन कौन सा कलर रह गया, कोई सा कलर नहीं बचा इसमें से, तो अपन क्या ग्रीन कर देते हैं इसके साथ, कि कलर तो बचे ही नहीं है तो अपन ग्रीन कर देते हैं। ओके ये अपन ने ग्रीन कलर कर दिया, और इसमें आधा हाफ हाफ ऐसे ऊपर रेड, नीचे मैंने पिंक नहीं नीचे पर्पल।
ओके। अभी इसमें अपन अलग कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, जैसे कि अपन येलो इसमें नीचे रखेंगे, क्योंकि अभी इसमें एक में ऊपर रख लिया था। येलो के साथ अपन कॉम्बिनेशन लेंगे, ग्रीन का ले लेते हैं इस बार। येलो के साथ ग्रीन का कॉम्बिनेशन लेंगे, ये कंप्लीट हो गया। अभी अपन रेड इसमें नीचे ले लेते हैं, नीचे, और रेड के साथ अपन पर्पल का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। अभी अपन इसमें ब्राउन ले लेते हैं, इसमें ब्राउन ऊपर लिया था तो इसमें ब्राउन नहीं, नीचे लिया था, इसमें ब्राउन ऊपर ले लेते हैं। ओके, ब्राउन के साथ अपन साइन वाला कलर, ओके। इसमें अपन ने वो ही ऊपर लिया था तो ये अपन नीचे कर देते हैं। ये अपन नीचे कर देते हैं, तो इसके साथ दूसरा कॉम्बिनेशन कलर ग्रे ले लेते हैं। अभी पिंक इसमें ऊपर लिया था तो पिंक इसमें नीचे ले लेते हैं। पिंक के साथ इसमें कॉम्बिनेशन ब्राउन था, अपने चेंज कर दिया, अपन गोल्डन कर देते हैं इसके साथ। ओके, गोल्डन ने अपन ने इसमें लिया भी नहीं है। अच्छा, पर गोल्डन दोनों में ऊपर हो गया, चलो कोई ना, कॉम्बिनेशन चेंज हो गया। बट ठीक, ये साइन हो गया, रेड अपन ने हो ही गया, ग्रीन हो गया, ये ब्लैक कर देते हैं हाफ, हाफ में ब्लैक। पर इसके साथ मोस्टली सारे कलर हो गए, कोई सा बचा है क्या? ये भी हो गया, कोई नहीं, फिर से कर देते हैं, डबल तो करना ही पड़ेगा। ये ग्रीन कलर, ग्रीन कलर हो गया। अभी इसके बाद हाफ, हाफ में जो है ऊपर ये कलर कर देते हैं, नीचे अपन साइन रख देते हैं। ओके, तो आपका देखो वर्कशीट नंबर 8, टाइटल ट्रेस द डॉटेड लाइन्स यूजिंग डिफरेंट कलर्स। ये अपन ने ये डिफरेंट कलर से ये इस तरीके से अपन ने किया है। ये अपन ने मॉम वाले स्केचेस हैं, कलर्स हैं, और इस तरीके से कंप्लीट। थैंक यू।